हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में तो आज हम एनसीईआरटी क्लास सिक्स का जो है वो चैप्टर टू पढ़ेंगे ज्योग्राफी पोर्शन का जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर तो आज हम अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी लाइनें होती हैं कितने वृत्त बनते हैं इस पर और टाइम का निर्धारण कैसे होता है तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे तो इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियोज़ को देखिए शेयर कीजिए और लाइक करिए और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर कुछ कमियाँ भी हों तो वो प्लीज़ आप मुझे बताइए और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो चैप्टर्स में तो प्लीज़ वो वो भी मुझसे शेयर कीजिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकूँ तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं तो देखिए कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी जो है पूरी गोली नहीं है स्फेरिकल शेप में है तो यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पे थोड़ी चपटी तथा मध्य में उभरी हुई होती है तो इधर इधर जो है इधर इधर, इधर पोर्शन में थोड़ी चपटी और बीच में जो है वो थोड़ी उभरी हुई होती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है है ना इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब देख सकते हैं तो ग्लोब पृथ्वी का लघु एवं वास्तविक प्रतिरूप है तो देखिए ग्लोब के जो है विभिन्न आकार के हो सकते हैं तो बड़ा ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता और एक होता है पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब जो कि गुब्बारे जैसा होता है ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सकती है तो ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं आप ये देख रहे होंगे कि ये जो ग्लोब है ये जो ग्लोब है आपको दिखाई दे रहा होगा कि तो ग्लोब जो है वो घूमता रहता है जिस प्रकार हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है अपने अक्ष पे घूमती है और सूर्य के चक्कर लगाती है उसी प्रकार ये ग्लोब भी डिज़ाइन किया जाता है तो इसे उसी प्रकार घुमाया जाता है जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया जो है वो लट्टू घुमाता है है ना और ग्लोब पर देशों महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन है तो अब प्रश्न उठता है कि आ, किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है तो हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकताएं होती हैं तो जो रेखाएं होती है वही तो अक्षांश देशांतर कहलाते हैं तो आगे चलिए डिटेल में देखें आप देखते हैं कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है इसे अक्ष कहते हैं मैं फिगर आउट करती हूँ आपको कि ये देखिए ये जो ग्लोब की अवस्था है ये जो है झुकी हुई प्रतीत हो रही है तो ये क्या है अवस्था ये अक्ष है ठीक है तो मान लीजिए कि ये ग्लोब है तो ये ग्लोब में जो है ये ऊपर का पोर्शन नॉर्थ पोल होगा और ये पोर्शन जो है वो साउथ पोल होगा तो ये देखिए इसमें दिया भी हुआ है कि उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है तो ग्लोब को इस सुई के चारों ओर जो है पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है मतलब कैसे घुमाया जा सकता है ऐसे ही ठीक है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है और याद रखें कि इन दोनों में अंतर है पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती यह अपने अक्ष पर चारों ओर जो है वो घूमती है और यह एक काल्पनिक रेखा है एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है जिसे क्या कहा जाता है विश्वत रेखा विश्वत वृत्त ठीक है तो जो पृथ्वी के उत्तर स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं मान लीजिए कि ये जो है ये वृत्त है ठीक है तो इसका आधा पोर्शन जो होगा ये उत्तरी को होगा और ये आधा पोर्शन जो है वो दक्षिणी को होगा और ये दोनों बराबर आधे भाग में बट रहते हैं देखिए फिफ्टी फिफ्टी बटे रहते हैं और इस प्रकार विश्वत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है तो जो है पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है ये और विश्वत वृत्त से ध्रुवों की जो है स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है अक्षांश रेखाएं कहा जाता है तो ये देखिए ये भली भांति आपको दिख रहा होगा कि जो इसके समांतर बनी होंगी तो इन्हें क्या कहा जाएगा ये अक्षांश रेखाएं हैं ठीक है तो ये जो है ये अक्षांश रेखाएं हैं तो अक्षांशों को अंश में मापा जा सकता है अब बात करेंगे कि वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है तो ये जो मिडिल पोर्शन है ये जो मिडिल पोर्शन है ये जीरो डिग्री कहलाएगा ठीक है है तो ये जो है जीरो डिग्री अक्षांश कहलाएगा चूंकि विश्ववत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों और वृत्त की एक चौथाई है अतः इसका माप जो है कितना होगा तीन सौ साठ डिग्री का एक बटे चार भाग ठीक है यानी कि कितना नब्बे अंश तो इस प्रकार नब्बे अंश जो है उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और नब्बे अंश जो है वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है इस प्रकार जो है वृत्त उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है देखिए या चित्र में फिगर आउट हो रहा होगा कि ये जो भी उत्तर की तरफ जो लाइन्स दिख रही हैं तो ये क्या होगी ये उत्तरी अक्षांश होंगी और जो दक्षिण की तरफ लाइंस होंगी ये क्या होंगी दक्षिणी अक्षांश क्योंकि ये दक्षिण की तरफ है है ना और ये जो है बीच में बीच में जो है ये पोल्स हैं तो ये नाइन्टी डिग्री का पोल है ये नाइन्टी डिग्री का पोल है ठीक है तो यही बता रहा है कि तीन का एक बटे भाग यानी मतलब कि नब्बे अंश है नब्बे अंश तो देखिए इसीलिए प्रत्येक अक्षांश का मान जो है उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है और सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है उदाहरण के लिए मान लीजिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में दक्षिण अमेरिका में बेलो हरिजोंटो दोनों ही एक ही अक्षांश पे बीस डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं लेकिन चंद्रपुर जो है वो विश्वत वृत्त पर बीस डिग्री उत्तर में है और बेलो बेलोहरिजोंटो जो है वो विश्वत पे बीस डिग्री दक्षिण में स्थित है तो इसलिए हम क्या कहेंगे चंद्रपुर जो है वो बीस डिग्री नॉर्थ अक्षांश में है ठीक है और बेलो हरिजोनटो बीस डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है तो चित्र से देखिए स्पष्ट करिए मान लीजिए कि देखिए ये चित्र में भी बना हुआ है तो देखिए आप चित्र में भली भांति दिख रहा होगा कि ये जो सबसे मिड वाली लाइन होती है ये सबसे मिड वाली लाइन होती है वो क्या होती है जीरो डिग्री अक्षांश और विश्वत रेखा इसी इसलिए कहा भी कहा जाता है क्योंकि सन जो है सन जो है इसके सीध में होता है ठीक है तो सन की जो किरणें हैं वो इसके ऊपर लंबवत पड़ती हैं फिर जैसे जैसे जो है वो डिग्री बढ़ता जाएगा तो सन जो तिरछी पड़ती जाएंगी इसलिए जैसे जैसे हम रिश्वत रेखा से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है ठंडक बढ़ती जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ठंडक बढ़ती जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इधर दक्षिण साइड में भी तो ठंड जो है वो बढ़ती जाएगी तो देखिए लिखा हुआ जैसे जैसे हम विश्वत वृत्त से दूर होते जाते हैं तो अक्षांशों का आकार भी घटता जाता है ये देखिए यहाँ पे सबसे छोटा अक्षांश और सबसे नील जो है अक्षांश यहाँ बनेगा पोल पे ठीक है तो पोल पे जो है सबसे छोटा अक्षांश बनेगा तो जैसे जैसे देखिए दूरी बढ़ती गई अक्षांश जो है वो आकार में घटते गए नेक्स्ट बात करेंगे कि देखिए ये तो हो गया विश्वत रेखा ठीक है विश्वत वृत्त हो गया बात करते हैं मकर रेखा की तो मकर रेखा देखिए विश्वत रेखा तो हो गया जीरो डिग्री पे लेकिन ये जो मकर रेखा है ये साढ़े तेईस डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाता है और कर्क रेखा जो होता है उत्तरी गोलार्ध में होता है तो ये क्या कहलाता है ये साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश फिर क्या आता है फिर आता है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी सीत कटिबंध हुई है साढ़े छाछठ डिग्री देशा वो दक्षिण है ना और ऊपर वाला जो है वो साढ़े छाछठ डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त है ठीक है तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर जो पोर्शन जाएगा विश्वत रेखा के ऊपर वो उत्तरी गोलाद होगा और नीचे जो जाएगा वो दक्षिणी गोलाद होगा तो देखिए लिखा भी हुआ है कि विश्ववत उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त चार महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं और ये हैं तो देखिए चित्र के माध्यम से थोड़ा फिगर आउट करें कि देखिए ये जो सबसे मिड पोर्शन है ये क्या है जीरो डिग्री ठीक है फिर इसके उत्तर में कर्क रेखा है कर्क रेखा साढ़े तेईस डिग्री कितना अक्षांश उत्तरी अक्षांश ठीक है फिर ये है नीचे का पोर्शन तो इसे क्या कहेंगे मकर रेखा मकर रेखा ठीक है तो ये कितना है साढ़े तेईस डिग्री दक्षिणी देसांस ठीक है तो इसको क्या लिखेंगे दस लिखेंगे ठीक है फिर और ऊपर जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे विश्वत वृत्त जो कि उत्तरी ध्रुव में है और नीचे का पोर्शन जो है वो दक्षिणी ध्रुव ठीक है तो ये जो है वो दक्षिणी ध्रुव है कितना है ये साढ़े छाछठ डिग्री है साढ़े छाछठ डिग्री दक्षिण और ये साढ़े डिग्री उत्तर ठीक है ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो कभी कभी आपको ग्लोब दे देता है और जो है ये पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा उत्तर में है कि दक्षिण में मकर रेखा कहाँ है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए तो देखिए ये टॉर्च के माध्यम से ये शो हो रहा है कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे ग्लोब में सन जो है जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया पैरा में कि सन जो है अगर सन का सीधा प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा लंबवत किरणें आएंगी तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी और वही किरण अगर तिरछी पड़ेगी तो क्या होगा वहाँ पर जो है गर्मी बहुत कम रहेगी और जैसे जैसे किरणें जो है वो दू तिरछी होती जाएंगी तिरछी होती जाएंगी और एक ऐसा स्थान आएगा जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ की सन वहाँ पर सन की किरणें पहुँचती नहीं है तो वहां बहुत ठंडक मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट से भी बहुत ज्यादा ठंड होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं है अब बात करते हैं कि पृथ्वी के ताप कटिबंध तो ताप कटिबंध के बारे में अभी हम देखते हैं देखिए मान लीजिए ये ग्लोब है ठीक है ग्लोब में ये भूमध्य रेखा है ये कर्क रेखा ये मकर रेखा ठीक है तो ये देखिए जो लिखा हुआ है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य एक बार जो है दोपहर में सिर उठा सिर के ठीक ऊपर होता है तो यहाँ पे सबसे अधिक ऊषमा होती है कहाँ पे सबसे अधिक ऊष्मा होगी यहाँ पे तो सन की किरणें लंबवत तो यहीं पर पड़ रही हैं और सन भी यहीं है तो लंबवत किरणें पड़ेंगी तो उसे क्या कहेंगे ऊष्ण कटिबंध क्या कहेंगे ऊष्ण कटिबंध ऊष्ण मतलब गर्म गर्म कटिबंध इसे कहा जाता है तो यहाँ से यहाँ का पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ का पोर्शन बहुत गर्म होती है यहाँ पे ठीक है तो जीरो से साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ जीरो से साढ़े तेईस डिग्री साउथ की ओर गर्म बहुत ज़्यादा होती है तो इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि देखिए कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो है कभी सिर के ऊपर नहीं होता तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें क्या होती हैं तिरछी होती जाएंगी तिरछी होती जाएंगी है ना देखिए तिरछी होती जाएंगी तो क्या होगा तो देखिए इस प्रकार उत्तरी गोलाद में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है दक्षिणी गोलाद में मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले जो पोर्शन को है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं शीत उष्ण कटिबंध ठीक है तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कर्क रेखा है ठीक है और ये मकर रेखा है तो इसके आगे का पोर्शन जो होगा इसके आगे का पोर्शन जो होगा साढ़े छाछ डिग्री सेल्सियस साढ़े छाछठ डिग्री उत्तरी गुलाब है ये ठीक है और सा ये साढ़े छा छठ डिग्री जो ये पोर्शन आएगा और ये पोर्शन आएगा ये साढ़े छा डिग्री पोर्शन है और ये साढ़े छा डिग्री गोलाद है तो इसके इसके बीच का जो पोर्शन आएगा इसके इसके बीच का जो पोर्शन आएगा वो क्या होगा वो होगा शीत कटिबंध क्योंकि क्योंकि पे तो हो गया है लंबी लंबवत किरणें पड़ रही है लेकिन किरणें तो पड़ रही हैं और शीत कटिबंध होगा क्योंकि तिरछी पड़ रही है तो इसलिए जो है इसका नाम शीत उष्ण कटिबंध पड़ गया है अब बात कर लेते हैं कि देखिए साढ़े छा डिग्री सेल्सियस के बाद वाले पोर्शन ठीक है साढ़े छा डिग्री सेल्सियस के बाद वाले पोर्शन को क्या कहेंगे शीत कटिबंध क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत नील या फिर बिल्कुल पहुंचती ही नहीं है इसलिए इस पोर्शन को जो है वो शीत कटिबंध कहा जाता है तो पोल्स जो है उसके पार जाने पर जो है वो शीत कटिबंध शो हो रहा होगा तो ठीक है आप जान गए कि देखिए भूमध्य रेखा का पोर्शन जो है ये ये यहाँ यहाँ का पोर्शन जो है ये उष्ण कटिबंध फिर कर्क ये जो आ, साढ़े तेईस डिग्री से साढ़े छाछठ डिग्री सेल्सियस के बीच का पोर्सन क्या है शीत उष्ण फिर साढ़े छाछठ से नाइन्टी डिग्री सेल्सियस का पोर्सन जो है वो शीत कटिबंध इसी प्रकार ऊपर भी इसी प्रकार नीचे भी तो ये देखिए लिखा भी हुआ है कि उत्तरी गोलाद्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलाद में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच जो है वो ठंड बहुत होती है क्योंकि यहाँ सूर्य जो है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं अब बात करेंगे देशांतर रेखा की कि देशांतर क्या होते हैं तो देखिए किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पे हैं ठीक है बीस डिग्री दक्षिणी स्थान पर स्थित है और उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों पर कितनी दूरी है और इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतर देशांतरी याम्योत्तर कहते हैं तो उनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे देशांतर के अंशों से मापा जा सकता है और प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जा सकता है और ये अर्धवृत्त हैं तो इनके बीच की दूरी जो है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पे घटती है आइए फिगर आउट करें तो ये देखिए हमने अक्षांश में क्या पढ़ा था कि अक्षांश की जो रेखाएँ होती हैं ऐसे होती हैं ठीक है थीके? ऐसे ऐसे होती हैं और देशांतर की रेखाएँ कैसी हैं लंबवत हैं ठीक है कैसी है लंबवत है तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे अब बात करते हैं कि देखिए ये जो है ये सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव ये है और इसके नीचे जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव होगा ठीक है और क्या बात करेंगे देखिए ये तीस डिग्री पूर्व है ये छा छः डिग्री पूर्व है पूर्व है ठीक है तो ये पूर्व का पोर्शन होता है और जो है वो तो देखिए जो अक्षांश था हम मान लीजिए अक्षांश भी इसके इक्विवेलेंट बना लेते हैं ठीक है तो अक्षांश हमने बनाया तो देखिए ये जो है ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही है क्या नहीं लेकिन जो लाइन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है उसे क्या कहते हैं देशांतर रेखा तो धरातल पर ऐसे खींची जाती है ये लाइन की लंबवत काल्पनिक रेखाएं होती हैं और उत, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं और पृथ्वी के केंद्र से जो है पृथ्वी के केंद्र से वो होड़ बनाती हैं तो यही जो होती है वो देशांतर रेखाएं होती हैं और समान अंतराल पे ये लाइनें जो हैं वो खींची जाती हैं तो दो देशांतर के मध्य अधिकतम दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा पे होती है ठीक है देख रहे हैं आप कि ये जो है रेखाएँ जो है भूमध्य रेखा पे इनकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है तो जैसा कि हमने अक्षांश में पढ़ा था कि अक्षांश में जो है वो देखिए अक्षांश में जो है वो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर होते जाएंगे तो इनकी लंबाई जो है वो छोटी होती जाएगी लेकिन देशांतर रेखा में ऐसा नहीं है देशांतर रेखा की लंबाई जो है वो सभी देशांतर रेखाएँ जो है वो इक्वल होती हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि सभी देशांतरीय रेखाएं इक्वल होती हैं और अक्षांशीय रेखा जो है अपने भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी तो उनकी जो रेखाएं हैं वो छोटी होती जाएंगी तो देखिए लिखा भी हुआ है कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर लंबाई समान होती हैं इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीन विच ग्रीन विच रेखा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेखा है जिसके अनुसार जो है टाइम का निर्धारण होता है तो जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है तो मान लीजिए ये देखिए तो सबसे मिड में जो है वो ग्रीन विच रेखा है ठीक है जी कहते हैं इसे तो ग्रीन विच रेखा है इसे जीरो डिग्री देशांतर मान लिया जाता है और इधर साइड ईस्ट है और इधर साइड वेस्ट है इधर साइड ईस्ट इधर साइड वेस्ट तो ऐसे जैसे जाते जाएंगे और ऐसे जाते जाएंगे ऐसे जाएंगे टाइम बढ़ेगा ऐसे जाएंगे टाइम घटेगा तो देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो है 180 सौ जीरो से 180 डिग्री यहाँ और जीरो से 180 डिग्री यहाँ पे होता है तो ये जो है पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है देखिए दो समान भागों में ये बांटती है और इसी के अनुसार जो है वो टाइम का निर्धारण होता है तो किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए जो है वो पूर्व और पश्चिम के लिए पश्चिम का उपयोग किया जा जाता है तो पूर्व के लिए पूर्व और पश्चिम के लिए पश्चिम का प्रयोग किया जाता है और यह जानना अत्यधिक रोचक है रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तो ये जो है ये एक ही रेखा पर स्थित है तो देखिए अब ग्लोब में देखिए ये जो ग्लोब है इसकी ग्रिड बन गई है ठीक है ये अक्षांशीय रेखा है और ये जो है ये देशांतरी रेखाएं जो भी लंबवत रेखाएं हैं, तो अब ग्लोब अक्षांश की रेखाओं के समान देशांतरी याम्योत्तर द्वारा बनी ग्रिड को देखें अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं मान लीजिए उदाहरण के लिए असम में धुबरी जो है वो छब्बीस डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं नब्बे डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है तो अब हम कैसे देखेंगे चलिए देखते हैं आइए तो ये देखिए जैसे कि आप जान गए हैं कि ये जो अक्षांश रेखा है तो ये सबसे मिड की रेखा है ये जीरो डिग्री है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये उत्तर है और ये दक्षिण है तो लिखा हुआ देखिए धुबरी जो है वो छब्बीस डिग्री उत्तर अक्षांश मतलब कि ये थोड़ी सी ऊंचाई पर जीरो डिग्री से थोड़ी सी ऊँचाई पर होगी छब्बीस डिग्री देशांतर ठीक है और नाइन्टी डिग्री पूर्व देशांतर कहाँ होगा देखिए ये साठ डिग्री पूर्व देशांतर है और इसके जस्ट आगे जो है वो नाइन्टी uh, डिग्री पूर्व देशांतर होगा तो यहाँ पे जो है असम इस्टेब्लिश होगा तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो देखिए अब बात करेंगे देशांतर और समय तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो है पृथ्वी चंद्रमा और ग्रह की गति है तो सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है और स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है जो दोपहर के समय सबसे छोटी और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लंबी होती है याद रखेंगे ये चीज और ग्रीन पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे पर ऊंचे बिंदु पर होगा वह समय याम्योत्तर की स्थिति में सभी स्थानों पर दोपहर होगी ठीक है तो सूर्य जिस स्थान पर सबसे ऊंचा होगा तो वहाँ पे क्या स्थिति होगी वहाँ पे दोपहर होगी अब देखिए चूंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। एक चीज़ और आपको पता चली गई कि ये जो अर्थ होती है ये किधर से किधर वेस्ट से ईस्ट की ओर चक्कर लगाती है ठीक है ध्यान रखेंगे सूर्य के जस्ट उल्टा सूर्य पश्चिम से पूर्व आ, प, सूर्य जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाता है और पृथ्वी क्या करती है पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है तो क्या होगा कि उनका ग्रीनविज समय आगे होगा कैसे क्योंकि अतः वे सूर्य के जो ग्रीनविज में पूर्व में है पृथ्वी किस किधर है देखिए पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में होंगे पूर्व की इधर बताया था मैंने ये मान लीजिए ग्रीनविच रेखा है ठीक है तो पूर्व दिशा इधर है पश्चिम इधर है तो जो पूर्व में होंगे उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा ठीक है और समय जो है वो समय का अंतर का दर की गणना जो है निम्नलिखित विधि से की जा सकती है तो देखिए जैसे पृथ्वी लगभग चौबीस घंटे में अपने अक्ष पर तीन सौ साठ डिग्री घूमती है तो चौबीस घंटे में तीन सौ साठ डिग्री घूमती है ठीक है तो फिर क्या लिखा हुआ है कि देखिए अतः वह एक घंटे में पंद्रह डिग्री तो एक घंटे में पंद्रह डिग्री कैसे करेंगे तीन सौ साठ बटे चौबीस कर दीजिए तो आ जाएगा पंद्रह डिग्री तो एक घंटे में पंद्रह डिग्री घूमती है अतः पंद्रह डिग्री में कितना मिनट होगा चार मिनट होगा तो साठ बटे पंद्रह कर देंगे क्योंकि एक मिनट बराबर साठ एक घंटे में साठ मिनट होता है तो साठ बटे पंद्रह कर देंगे तो चार आ जाएगा ठीक है तो चार मिनट में एक डिग्री घूमती है इस प्रकार जब ग्रीन विच में दोपहर बारह बजते हैं ग्रीन विच में जब दोपहर बारह बजते हैं तब क्या होता है तब ग्रीन विच से पंद्रह डिग्री पूर्व में समय होगा तो इसी प्रकार आप समय का ज्ञात कर लेंगे और ग्रीन विच के समय एक घंटा आगे अर्थात वह दोपहर एक बजा होगा लेकिन ग्रीन विच से पंद्रह और डिग्री पश्चिम का समय जो है वो ग्रीन समय से एक घंटा पीछे होगा यानी सुबह के ग्यारह बजे होंगे ठीक है तो अपना भारत का पोजीशन कहाँ है देखिए आइए देख लेते हैं ये जी है ये ईस्ट है ये वेस्ट है इसी प्रकार हम और भी लाइनें बना लेते हैं ठीक है बना लिया हमने लाइन और सबसे एंड वाला जो होता है वो कितना होता है एक सौ अस्सी डिग्री एक सौ अस्सी डिग्री ठीक है ये जीरो डिग्री हुआ ठीक है तो ऐसे हम तीस तीस के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो ये थर्टी डिग्री हुआ ये सिक्सटी डिग्री हुआ ये नाइन्टी हुआ सॉरी ये नाइन्टी हो गया देन एक सौ बीस देन एक सौ पचास देन एक सौ अस्सी फिर क्या करते हैं हम कि देखिए ये ईस्ट की साइड चला ये वेस्ट की साइड चला गया ये ईस्ट की साइड चला गया अब हम देखते हैं कि मान लीजिए जो है यहाँ पे दो बज रहा हो कितने डिग्री पे तीस डिग्री पे दो बज रहा है ठीक है तीस डिग्री पे अगर दो बज रहा है तो नेक्स्ट uh, जो है वो साठ डिग्री पे कितना बजेगा चार बजेंगे ठीक है फिर क्या होगा चार बजने के बाद जो नेक्स्ट डिग्री आएगी तो उसमें क्या बजेगा छः बजेंगे तो दो दो का डिफरेंस होता जा रहा है तो मान लीजिए हमारी आ, हमारा जो जीएमटी है हमारे देश का तो वो साढ़े पाँच डिग्री आ, वो साढ़े पाँच जी है तो साढ़े पाँच जी में जो हम समय बढ़ा के करेंगे तो कितना साढ़े बयासी डिग्री पे झुकेगी हमारी पृथ्वी ठीक है साढ़े बयासी पे हमारी डिग्री ईस्ट जो है वो पोजिशन कहलाएगी तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा है कि तीस ये तो ज़ीरो है ये तीस है ये साठ है ये नब्बे है तो भारत किस पोजीशन पे होगा भारत यहीं कहीं बीच में होगा क्योंकि भारत की पोजीशन क्या है साढ़े बयासी डिग्री है तो साढ़े बयासी डिग्री यहाँ पे होगा तो वहाँ का समय कितना होगा साढ़े पाँच ठीक है ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं तो ये जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आते हैं आगे के क्लासेस में तो ये हमारा जानना ज़रूरी नहीं हमें ये जानना जरूरी है कि देखिए पंद्रह डिग्री जो है वो साठ मिनट के बराबर होता है है ना और चार मिनट में एक डिग्री घूमती है तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी बहुत जो है वो आनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब बात करते हैं कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर के समय घड़ी में कितने बज रहे होते हैं बारह बज रहे होते हैं और इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान की स्थानीय समय होगा और आप देख सकते हैं कि देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समान होता है स्थानीय समय समान होता है तो ये देखिए भारत की पोजीशन साढ़े बयासी डिग्री पूर्व जो है ये इसकी पोजीशन है भारत की ठीक है तो देखिए क्या होता है कि उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियाँ जो हैं इसके समय सारणी तैयार करना बहुत कठिन होगा भारत में जो है गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ का स्थानीय समय लगभग एक घंटा पैंतालीस मिनट का अंतर होता है इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश के मानक समय माना जाए तो एक मानक समय निर्धारित कर दिया जाता है और इस यामयोत्तर में स्थानीय समय को पूरे देश के मानक समय माना जाता है तो भारत में क्या है भारत में साढ़े बयासी डिग्री पूर्व को है जो वो मानक याम्योत्तर माना गया ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है तो आपसे अगर पूछा जा जाता है एग्जाम में कि भारतीय मानक कि भारती समय कितना होता है तो वो जो होता है साढ़े और जी और साढ़े बयासी डिग्री पूर्व मान लीजिए कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है और वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे तो भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में दो बजे शाम को होता है अपराह्न को होता है तो अर्थात भारत में के समय अनुसार मैच जो है वो शाम को साढ़े सात बजे शुरू होगा और देर रात्रि को समाप्त होगा तो क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर होता है तो भारत जो है वो ग्रीन के पूर्व में ठीक है जैसा कि आपने देखा है कि ग्रीन विच के पूर्व में जो है भारत की स्थिति है यहाँ पे साढ़े बयासी डिग्री पूर्व की स्थिति है तो वहाँ पे समय क्या होगा ग्रीन विच समय जो होगा वो साढ़े पाँच घंटा तीस मिनट आगे होगा इसलिए जब लंदन में दोपहर दो बजे दो होंगे तो भारत में शाम के साढ़े पाँच दो में साढ़े पाँच जोड़ दीजिए तो साढ़े सात हो जाएगा तो वहाँ पे कितना बजा होगा साढ़े सात तो कुछ देशांतर जो है वो कुछ देशांतरीय विस्तार अधिक होते हैं तो जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं तो उदाहरण के लिए रूस में ग्यारह तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखेंगे कि रूस में ग्यारह मानक समय अपनाया गया है और पृथ्वी को एक एक घंटे वाले चौबीस समान समय में क्षेत्र में बांटा गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र पंद्रह डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है तो आइए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है तो हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल तो नहीं है है ना स्फेरिकल शेप में है तो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को जो है थोड़ा सा चपटा और मध्य में थोड़ा सा उभरा हुआ है हमारी पृथ्वी का आकार अब बात करते हैं ग्लोब क्या है तो ग्लोब जो है वो एक लघु रूप है तो पृथ्वी की एक वास्तविक प्रतिरूप है जो कि और ग्लोब पर देश महाद्वीप महासागर उनके सही आकार में दिखाया गया है नेक्स्ट है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है तो कितना होता है कर्क रेखा जैसे ग्लोब देखें आप ये भूमध्य रेखा है ये कर्क रेखा ये मकर रेखा है तो ये साढ़े तेईस डिग्री पूर्व में स्थित है तो ये क्या है ये कर्क रेखा है और ये साढ़े तेईस डिग्री पश्चिम है तो ये क्या है ये मकर रेखा है ठीक है ध्यान रखेंगे तो इसका अक्षांशीय मान कितना होगा साढ़े तेईस डिग्री पूर्व होगा नेक्स्ट बात करेंगे कि पृथ्वी के तीन ताप कटिबंध का नाम बताइए तो कौन कौन से ताप कटिबंध है उष्ण शीत उष्ण और शीत तीन कटिबंध हैं इसके ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे कि अक्षांश एवं देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं तो सबसे पहले अक्षांश जान जाइए कि वे काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम जो पूरब से पश्चिम जो है वो आ, की ओर विश्वत रेखा के समांतर ध्रुवों में खींची जाती हैं और इनकी लंबाई जो है वो अलग अलग होती है तो उन्हें क्या कहते हैं अक्षांश रेखाएँ कहते हैं और देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं कि जो देशांतर रेखाएँ होती हैं वो क्या करती हैं वो काल्पनिक रेखाएँ होती हैं जो विश्वत वृत्त को जो है वो काटती हैं ठीक है तो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने का भी काम करती हैं वो क्या होती हैं देशांतर होती हैं नेक्स्ट देखेंगे कि उष्मा के सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में ही क्यों आती है तो क्यों आती है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य जो है एक बार दोपहर में सिर के सीधे ऊपर होता है और सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं सूर्य की किरणें यहाँ कैसी पड़ेंगी लंबावत पढ़ेंगी और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो तिरछी होती जाएंगी तो लंबावत जहाँ पढ़ेंगी तो वहीं पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी ना तो इसलिए इसे ऊष्ण कहा जाता है नेक्स्ट बात करेंगे कि जब भारत में शाम के साढ़े पाँच बजते हैं तो लंदन में दोपहर के बारह क्यों बजते हैं तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि भारत का स्टैंडर्ड जो वो डिग्री है कितना है साढ़े बयासी डिग्री पूर्व ठीक है तो क्या होता है कि भारत के समय लंदन में जो है साढ़े पाँच मिनट आगे होता है तो जैसे मान लीजिए भारत में जैसे लंदन में अगर बारह बज रहे हैं तो भारत में साढ़े पाँच जो है वो आगे कर दीजिए तो बारह में साढ़े पाँच जोड़ेंगे तो कितना होगा साढ़े पाँच बजेंगे इसलिए भारत में साढ़े पाँच बज रहा होता है और लंदन में बारह बज रहा होता है और प्रत्येक अंश में चार मिनट का अंतर होता है इसलिए जब लंदन में बारह बजते हैं तो भारत में शाम के साढ़े पाँच बजते हैं अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रमुख यामयोत्तर का मान कितना होता है जैसा कि मैंने बताया कि प्रमुख यामयोत्तर का मान कितना होता है जीरो डिग्री तो क्या होगा जीरो डिग्री मान होगा ठीक है नेक्स्ट है कि शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है तो किसके नजदीक पाया जाता है ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है तो ध्रुवों के नज़दीक नेक्स्ट है कि देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है तो देशांतर की कुल संख्या तीन सौ साठ होती है नेक्स्ट है कि दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है तो कहाँ स्थित है उत्तरी गोलाध में तो ये देखिए ये पूछा जा रहा है कि ग्रिड किसका जाल है तो अक्षांशीय अक्षांसी का थोड़ा तो सा हम देख लें थोड़ा तो देखिए ये कह रहा है कि मकर रेखा कितने पर स्थित है साढ़े तेईस डिग्री दक्षिणी देशांत ठीक है नेक्स्ट है कि भारत का मानक याम्योत्तर कितना है साढ़े बयासी डिग्री पूर्व कितना है साढ़े बयासी डिग्री पूर्व नेक्स्ट है जीरो डिग्री उत्तर को किस नाम से जाना जाता है तो प्रधान रेखा के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो किस तरफ घटती है तो किधर घटती है ध्रुवों की ओर उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ठीक है उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है वो सॉरी सॉरी उत्तरी जो ध्रुव वृत्त है तो वो उत्तर में ही स्थित होगा ना और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो दक्षिण में स्थित होगा तो देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी के अक्ष विश्वत वृत्त कर्क रेखा मकर रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को वृत्त में दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए तो आइए हम थोड़ा चित्र बनाए तो ये देखिए हमने बनाया वृत्त ठीक है सबसे मिड में विश्वत रेखा बनाई हमने ये हमने बनाया मकर रेखा ये कर्क रेखा और ये जो है ये ऊपर का उत्तरी वृत्त और ये दक्षिणी वृत्त ये पोल ठीक है तो ये जो है ये जीरो डिग्री सेल्सियस होगा जीरो डिग्री और ये साढ़े तेईस डिग्री ये साढ़े तेईस डिग्री ये साढ़े छाछ डिग्री ये भी साढ़े छाछ डिग्री ठीक है ये इसमें इसमें दक्षिण लिखाएगा इसमें इसमें उत्तर लिखाएगा और ये जो है ये भूमध्य रेखा है ये विश्ववत रेखा है ठीक है तो ये चीज हम बना लिए और ये होगा दक्षिणी ध्रुव और ये होगा उत्तरी ध्रुव तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो ये हमने बना लिया फिगर आउट कर लिया देखिए वृत्त ये हुआ ठीक कर्क रेखा ये हुई मकर रेखा ये हुई उत्तरी ध्रुव वृत्त ये हुआ दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये हुआ तो ये चीज आप प्रदर्शित कर लेंगे तो बेसिकली आपसे अगर पूछा जाएगा कि मकर रेखा सॉरी मकर रेखा जो है वो कितने डिग्री जो है और किस दिशा में है तो क्या होगा मकर रेखा साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण दिशा में है ठीक है और कर्क कर रेखा पूछा जाएगा तो साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश में है तो यहीं ख़त्म होता है ये वीडियो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर करिए Thank you very much.